नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कैनन मीडिया में। कैनन मीडिया परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर नए साल में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म, कई पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें, लोगों में खौफ और डर का माहौल की कहानी। पेट्रोल नहीं मिले का तो क्या होगा। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में सुबह से बसों की हड़ताल है। प्रदेश के भी कई जिलों में चक्का जाम किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश भर में हाहाकार मच गया है। उज्जैन में भी मक्सी रोड डिपो चौराहे पर चक्का जाम किया गया। वाहनों की लगी लंबी कतारें, नारेबाजी कर नए कानून के खिलाफ आक्रोश दर्ज कराया। आज से पूरे देश के ट्रक ड्राइवर जा सकते हैं हड़ताल में। नए कानून के विरोध में हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, हिट एंड रन वाले नए कानून के विरोध में उतरे ट्रक ड्राइवर। देश में जरूरी चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। बस ट्रक ड्राइवरों की मांग, 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने वाला कानून वापस ले सरकार। एमपी में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी, डीजल पंप में लगी भीड़, पेट्रोल पंपों में लगने लगी लंबी कतारें, बनती जा रही अब अराजकता की स्थिति। हिट एंड रन एक्ट के विरोध में ड्राइवरों ने ट्रक बस खड़े करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की आशंका में पंपों पर भीड़ है। रसोई गैस आपूर्ति ट्रक भी प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में केंद्र ने हिट एंड रन एक्ट में बदलाव किया है। अब इसमें 2 की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान है। थाने से जमानत नहीं होगी, घायल को 7 लाख देना होंगे, घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने पर सजा होगी। यह 1 अप्रैल से लागू होगा, इसी का विरोध हो रहा है। आएंगे तो सिंगल लाइन में आएंगे, पूरा साल नहीं लगाओगे।